स्वागत है आप सभी समूह की दीदियों का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको समूह से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। समूह से रिलेटेड नई अपडेट आप सभी के लिए, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समूह से जुड़ी सब दीदियाँ, पदाधिकारी हों, कैडर हों, सदस्य हों, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। तो समूह में जुड़ने के बाद दीदी लोग बहुत सारी नौकरियों में भी जुड़ी हैं, कैडर के पद पर जुड़ी हैं, बैंक सखी, आजीविका सखी, पशु सखी, कृषि सखी, ICRP, VOCRP, कई सारे पद हैं, ठीक है। इसके अलावा राशन उठान है, THR प्लांट का काम है, और सामुदायिक शौचालय है, बहुत सारे ऐसे कार्य भी मिले हुए हैं। वहीं या उन्हीं महिलाओं ने की फंड लेकर के दीदियां, ठीक है, और भी दीदियां हैं, क्योंकि सब दीदी थोड़ी नौकरी की मशीन लगाई, जो भी जुड़ी हैं, कुछ मशीन लगाई पा गई हैं, किसी ने दीदी चक्की, किसी ने दुकान खोली, किसी ने पार्लर खोला, भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य भी स्वरोजगार के तौर पर शुरू किए हैं। तो अब उनके मन में है कि आखिर ये दीदी लोग काम कर रही हैं, बाकी दीदियां हैं या समूह में जुड़ी और भी दीदियां हैं, तो अक्सर ये प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर देखिए, हम समूह में जुड़ने के बाद कुछ महिलाओं को इसमें जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को जानकारी देने जा रहा है, जो आपके लिए जो महिलाएं महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ वीडियो को कर चुकी है समूह में जुड़कर, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, आगे दूसरी महिलाओं को अवसर मिलेगा, हमारे नहीं मिलेगा समूह से रिलेटेड क्या कुछ ग्राम योजना से ऐसे चलता रहेगा की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी दीदियों को भी जानकारी हो जाए। अब देखिए, NRLM और जो सभ्य समूह की योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार पैसा देती है। तो इस योजना में केंद्र सरकार पैसा देती है और राज्य सरकार पैसा देती है, तब ये NRLM स्वयं सहायता समूह की योजना चलती है। तो ये केंद्र से चलाई गई योजना है, केंद्र शासित योजना है, केंद्र से ही इसके लिए नियम वगैरह होते हैं, फिर राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं। इसलिए मेन इम्पोर्टेंट ये केंद्र की योजना है, इसलिए राज्य से ज़्यादा केंद्र स्तर पर महत्व रखती है, क्योंकि केंद्र से इसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जो भी यहाँ पर निगरानी, जो भी इसका अपडेट आएगा, जो भी इसमें कुछ भी नए नियम होंगे, जो भी होंगे, वो केंद्र से ही होते हैं, केंद्र पर जो भी निर्णय होगा वो समूह में आते हैं। तो केंद्र से ही इस पर निगरानी की जाती है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, क्या कुछ हो रहा है इस योजना में, आजीविका मिशन में। तो इस बार भी आजीविका मिशन को, अभी मैंने वीडियो बनाई थी कल परसों, की फंड भी दे दिया गया है, जल्दी सभी का मानदेय RF CIF वगैरह आएगा। लेकिन यहां पर समूह से जुड़ी सब दीदियों के लिए जानकारी ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्क्रीन पर देखिएगा, लिखा है जांच हुई तो 30% बाहर हो सकती हैं महिलाएं। अब बाहर क्यों हो सकती हैं महिलाएं, आजीविका मिशन से बाहर हो जाएंगी महिलाएं, ऐसा क्यों कहा गया है और कौन सी महिलाएं यहां पर बाहर कर दी जाएंगी। तो यहां पर देखिएगा क्या कुछ बताया गया है कि समूह में जुड़ने का नियम क्या है। समूह में गरीब दीदी जुड़ती हैं, लेकिन कौन गरीब दीदी जुड़ती हैं, किस प्रकार से, क्या कुछ उसका योग्यता हो जो समूह में जुड़े। नियम जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण 2011 के अनुसार स्व सहायता समूह की सदस्य होने के लिए आपके पास BPL होना आवश्यक है। BPL कार्ड अगर आपका है तो आप इसमें समूह में जुड़ने के लिए योग्य हैं, गरीब मानी जाएंगी। इसके अलावा वे दीदी भी समूह में जुड़ सकती हैं। समूह की सदस्य वह महिला नहीं हो सकती जिसका परिवार आयकर दाता हो। अगर आपका इनकम टैक्स आप भरती हैं, सरकारी नौकरी आपके पति की है, परिवार में है, तो आप नहीं जुड़ सकती हैं, ठीक है। और जिसकी पारिवारिक आय 10,000 रुपये से ज़्यादा हो तथा 5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास जमीन है, तो ऐसी दशा में आप समूह नहीं बना सकती, न समूह से जुड़ सकती हैं। यहाँ पे ये रूल नियम है, गरीब हैं आपके परिवार में, इनकम कम है, जैसा कि रूल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग है, तो आप जुड़ सकती हैं। बहुत दीदी का प्रश्न होता है कि हमारी सास और हम सब परिवार में हैं तो क्या दोनों लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप अलग अलग हैं, परिवार अलग अलग रोजी रोटी कर रहा है, खा पी रहा, अलग आपका पूरा चूल्हा वगैरह जो कैसे कहते हैं अलग है, उस दशा में आप लोग जुड़ सकते हैं। परिवार एक में है तो फिर एक परिवार से केवल एक ही महिला जुड़ती है। तो ये रूल नियम है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि मध्य प्रदेश के 1.36 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से मुक्त हो गए हैं। इसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 15 लाख महिलाएं भी शामिल हैं।
ये महिलाएं 10,000 रुपए मासिक कमाने लगी हैं, बावजूद इन्हें मुफ्त में राशन और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसको लेकर आजीविका मिशन से जुड़ी शहडोल जिला पंचायत सदस्य की लोकायुक्त में शिकायत करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने संबंधी आवेदन दिया गया है। भोपाल के सोशल एक्टिविस्ट भूपेंद्र प्रजापति ने लोकायुक्त में शिकायत करते हुए सरकारी सुविधा लेने वाली ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला पंचायत प्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने जिला पंचायत शहडोल की सदस्य फूलवती सिंह के बारे में बताया कि वे कावेरी स्वसहायता समूह की सचिव हैं, वे आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिला पंचायत सदस्य बनने पर सरकार से मानदेय मिल रहा है, उनके पति वर्ष 1988 और 89 से शासकीय शिक्षक हैं। श्योरपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी है समूह में। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं पंच हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा जिला पंचायत सदस्य से लेकर अध्यक्ष पद तक पहुंची हैं। इन्हें सरकार द्वारा मानदेय भी दिया जा रहा है। जिला पंचायत श्योरपुर की अध्यक्ष महिला समूह में होते हुए निर्वाचित हुई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में करीब 35 लाख महिलाएँ शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब समूह भी बनाया है, समूह में भी जुड़ी हैं और सरकारी जो है किसी न किसी पद पर भी हैं कि उनके पति शिक्षक थे फिर भी समूह में जुड़ी और लाभ लिया, और खुद भी पंच सरपंच है, यानी कि अगर आप प्रधान बन जाती हैं या गांव के मतलब कोई भी मतलब के राज जो नेता हैं उनके पद पर कोई भी आप चुनाव जीतते हैं, किसी प्रकार से कुछ बन जाते हैं, ऐसे में आप समूह से भी जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये जो है मानदेय सरकार के द्वारा मिलता है, उसके बाद भी समूह में भी आप अध्यक्ष या पदाधिकारी बने हुए हैं, जबकि गरीब महिलाएं समूह में जिनके पास कोई पद नहीं है, कुछ भी नहीं है, वे समूह में कुछ नहीं पा पा रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शिकायत हुई है। ऐसे ले रही सरकारी फायदा, कावेरी समूह जुलाई 2007 से पंजीकृत है। समूह के माध्यम से पोषाहार वितरण, गेहूं धान खरीदी केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलाई आदि के काम दिए गए हैं। तो शिकायतकर्ता भूपेंद्र प्रजापति का कहना है कि मैंने जिला पंचायत शहडोल की सदस्य की लोकायुक्त में शिकायत की है, अगर सही जांच की जाए तो प्रदेश में ऐसे कई आर्थिक रूप से मजबूत परिवार मिलेंगे जिन्होंने समूह के जरिए करोड़ों रुपया आजीविका हेतु लिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, समूह में रहकर महिलाओं के लिए काम तो कर सकती हैं। लिखा है शहडोल की जिला पंचायत सदस्य स्वतः समूह की सदस्य रहते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए काम तो कर सकती हैं, उन्हें मिशन की ओर से कोई आर्थिक फायदा नहीं दिया जाएगा। मिशन की करीब 15 लाख महिलाएं अब 10,000 रुपये तक मासिक कमाई करने लगी हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आप 10,000 रुपये की मासिक कमाई करने लगती हैं तो आपको फिर समूह की किसी भी अन्य योजना का फिर बाद में और लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे समूह में फंड मिल रहा है वो आपको नहीं लाभ मिलेगा क्योंकि आप सक्षम हो चुकी हैं। समूह में किसी प्रकार की जॉब है तो आपको नहीं मिलेगी, मतलब उन दीदियों को फिर मौका मिलेगा जिन्हें कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये फिलहाल तो भोपाल की जानकारी है, फिलहाल ये केंद्र से चली हुई योजना NRLM है, तो सभी जगह एक जैसा ही रूल नियम फिर हो जाता है सभी जगह सब राज्यों में। तो समूह में कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो महिलाएं समूह से जुड़कर सशक्त हो चुकी हैं, 10,000 रुपये लगभग महीना कमाने लगी हैं, उनकी इनकम होने लगी, उनका काम अच्छा चलने लगा, वो किसी न किसी सरकारी पद पर हो गई हैं या उनके परिवार में कोई सरकारी पद पर हो गया है, ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं समूह से अगर जुड़ी हैं तो फिर उनको समूह से तो नहीं हटाया जाएगा लेकिन आजीविका मिशन की योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। आजीविका मिशन की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं बल्कि गरीब दीदियों को फिर मिलेगा। ये दीदियां उन दीदियों की मदद करेंगी और जो है महिला उत्थान के लिए कार्य करेंगी। तो यहां पर ये चीज आपकी समझ आ गई होगी कि अगर आप समूह से जुड़ी हैं, फंड वगैरह लिया है या आप कैडर के पद पर काम करने लगी हैं तो ऐसे में अगर आप सक्षम हो जाती हैं तो फिर आप अपने पद पर कार्य करेंगी और समूह में जुड़ी रहेंगी, लेकिन समूह की बाकी योजनाओं में फिर आप जैसे कि दूसरी कोई नौकरी आ रही है, दूसरा कोई जैसे कि आपके पास समूह में कोई प्रकार से फंड आ रहा तो उन दीदियों को दिलवाइए जिनको अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।